साल 2020 के अंत में कई टीवी शोज बेहद ही जोरों शोरों के साथ लॉन्च किए गए थे। हर किसी को उम्मीद थी कि ये नए शो एंटरटेनमेंट का सूखा दूर करेंगे और टीवी इंडस्ट्री को भी इन नए शोज के आने से बम्पर फायदा मिलेगा। लेकिन ऑन एयर होने के कुछ ही महीनों बाद ये शो कहानी में बुरी तरह फुस साबित हुए, जिसकी वजह से शोज को टीआरपी भी नहीं मिल पा रही और लगातार टीआरपी में बिछड़ने की वजह से आने वाले दिनों में 6 ऐसे शोज हैं जो ऑफ एयर होने वाले हैं। कौन से हैं वो 6 शोज और कब आएगा उनका आखिरी एपिसोड, बताते हैं आपको इस वीडियो में। कुछ तो है नागिन 5 के अब्रप्टली ऑफ एयर होने के बाद, जब एकता नागिन फ्रेंचाइजी के स्पिन ऑफ शो को लेकर आई थी तो एकता के साथ साथ ऑडियंस को भी उम्मीद थी कि ये शो शायद कुछ खास कमाल कर जाए, लेकिन महज एक महीने के अंदर ही इस शो पर ताला लगने की खबर सामने आ गई। आपको बता दें कि खबरें हैं कि कुछ तो है का आखिरी एपिसोड 21 मार्च को टेलीकास्ट किया जा सकता है और इस शो को अर्शी खान का स्वयंवर शो रिप्लेस करेगा। हालांकि अभी इस नए शो की कोई नई झलक सामने तो नहीं आई, ऐसे में हो सकता है कि कुछ तो है शो की ऑफ एयर डेट को आगे भी बढ़ाया जाए। एक दूसरे के वास्ते 2 फरवरी 2020 में ऑन एयर हुए इस शो को भी एक साल के बाद ही ऑफ एयर की खबरें सामने आ गई हैं। आपको बता दें कि शो को भी अच्छी टीआरपी नहीं मिल पा रही और लगातार टीआरपी ना मिल पाने की वजह से मेकर्स ने इस शो को बंद करने का फैसला ले लिया है। आपको बता दें कि खबरें हैं कि शो का आखिरी एपिसोड 21 मार्च को टेलीकास्ट होगा। ब्रह्म राक्षस 2 एकता कपूर के इस बड़े सुपरनेचुरल शो को लेकर भी खबरें सामने आ चुकी हैं कि शो का आखिरी एपिसोड अप्रैल के पहले वीक में दिखाया जाएगा। खबरें हैं कि शो के आखिरी एपिसोड की शूटिंग इसी वीक में पूरी कर ली जाएगी और शो को बंद करने का फैसला टीआरपी की वजह से ही लिया गया है। स्टोरी 9 मंथ्स की नवंबर 2020 में ये शो बड़े ही ग्रैंड तरीके से लॉन्च किया गया था। शो में मेन लीड में स्कृति कंडपाल, अक्षय मिश्रा नजर आ रहे हैं। IVF पर बेस्ड होने की वजह से शो को स्टार्टिंग में काफी बढ़िया रिस्पांस भी मिला था, लेकिन बाद में ऑडियंस को कहानी कमजोर लगने लगी, जिसका सीधा असर पड़ा शो की टीआरपी पर। इसके बाद खबरें सामने आ रही हैं कि आने वाले हफ्तों में इस शो को भी ऑफ एयर किया जा सकता है, हालांकि अभी इसके ऑफ एयर डेट को रिवील नहीं किया गया है। हमारी वाली गुड न्यूज, 20 अक्टूबर 2020 को ऑन एयर हुए इस शो में मेन लीड में जूही परमार, शक्ति आनंद, सृष्टि जैन नजर आ रही हैं। जूही ने इस शो से लंबे वक्त के बाद टीवी पर वापसी की थी। लोगों को उम्मीद थी कि जूही का ये शो कुछ खास कमाल कर पाएगा, लेकिन अब 4 महीने के बाद ही शो को लेकर खबरें सामने आ रही है कि इसकी रेटिंग अंडर स्कैनर है और अगर इसमें इजाफा नहीं हुआ तो ये शो भी जल्द ही ऑफ एयर करना पड़ सकता है। पिंजरा खूबसूरती का रिया शर्मा, साहिल उप्पल स्टारर ये शो जब साल 2020 में शुरू हुआ था तो मयूरा की कहानी को देखने के लिए लोगों में काफी एक्साइटमेंट देखी गई थी। हालांकि जैसे जैसे शो की कहानी आगे बढ़ी, लोग ट्रैक से उबने लगे और शो की टीआरपी नीचे जाती गई। खबरें हैं कि शो को अच्छी रेटिंग्स नहीं मिल पा रही और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले कुछ वक्त में ही ये शो भी बंद कर दिया जाएगा। बेशक शो टीआरपी की भारी किल्लत से जूझ रहा है, लेकिन इसी के साथ शो के मेकर्स अलग अलग ट्विस्ट प्लान कर रहे हैं और शो से ऑडियंस को जोड़ने की भरपूर प्लानिंग भी कर रहे हैं।